एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को रंगे हाथों रिश्वत लेते दबोचा जनपद पीलीभीत। दरअसल आपको बता दें, एंटी करप्शन टीम की छापेमारी से अन्य लेखपालों में खलबली मच गई। एंटी करप्शन टीम आरोपी लेखपाल को लेकर माधवटांडा थाने पहुंची, जहां पुलिस ने लेखपाल को अपनी हिरासत में लेकर आरोपी लेखपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। वहीं आपको बता दें कि भ्रष्टाचार निवारण संगठन एंटी करप्शन टीम ने राजस्व विभाग में तैनात लेखपाल सुनील कुमार को शुक्रवार को 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों तो पूछ लिया। आरोप है कि लेखपाल ने किसान के खेत में पक्की तूदाबंदी नपत के लिए लगातार पैसे की डिमांड कर रहा था। जानकारी के मुताबिक थाना गोंचियाई क्षेत्र के गांव सुंदरपुर मौजा कुरैया के रहने वाले पाल सिंह पुत्र संतोष सिंह ने क्या कहा। SCT न्यूज़ के लिए पीलीभीत से कपिल पांडे की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? पाल सिंह जी। कहाँ रहते हैं आप? कुरैया। क्या मामला है? मामला नाव का पैमाइश का, तूदाबंदी नाव का, पक्की नाव का। फिर उसके बाद बताइए पूरी बात। पक्की नाव की हमारी कटनी करीब 2017-18 की टाइम पड़ी हुई है। कोई अधिकारी सुन नहीं रहा था, पैसे मांग रहे थे, पैसे लेके दूसरी पार्टी से पैसा ले लेते हैं, हमसे ले लेते थे और हमारी ना पेमेंट नहीं सही करते थे और हर बार पैसा मांगते थे लोग। मुझे हमसे एक हफ्ता पैसा मांगते हो जाए लेखपाल के। कौन है लेखपाल? सुनील लेखपाल। कहाँ तैनात हैं? जी पूनपुर में, पूनपुर कुरिया क्षेत्र का। तो आपने कहाँ शिकायत की? हाँ जी, कहाँ शिकायत की? शिकायत तो हमने नकलो की है, बरेली की है। हाँ जी। आज कितने पैसे दिए? आज 10,000 रुपये दिया जी। 10,000 रुपये डिमांड थी, 10-15 दिन डिमांड थी उनकी 10,000 की। 20,000 तय था, अलग 10,000 रुपये दिया आज ने। पैसे आपने दिए या बेटे ने? बेटे ने दिए। क्या नाम है? बख्शी सिंह। पैसे देते समय इनके लिए? हाँ जी, पैसे देते उसके बाद बहुत लिया, उन्होंने पकड़ लिया कहीं हाथ में। हाँ जी। पैसे कहाँ, घर पर या तहसील? नहीं, उनके कमरे पर दिए। अशोक कड़ी कॉलोनी, पंकज कॉलोनी, पंकज कॉलोनी।